हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसे मैथ्स में। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस में मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अगर आपको उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले इसको देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। क्वेश्चन है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है 80³ + b³ + 12a² b + 6ab² नाउ सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि फैक्टराइज का क्या मतलब है। तो फैक्टराइज का मतलब है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है इसको आप प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में चेंज कर दें, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। यहाँ पर देखिए 8a³ लिखा हुआ है, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 2a का होल ऑफ क्यूब, ठीक, और फिर b³, ठीक है। तो ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज़ कर पाएँ, इसलिए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट किया। अब आप यहाँ पर देखो, इस टर्म का भी क्यूब है और इस टर्म का भी क्यूब है, ठीक है। ठीक है, इसको हम a लेट कर लेते हैं और इसको हम b लेट कर लेते हैं। अब आप देखो, a का क्यूब, b का क्यूब, ठीक। अब 3a² b चेक करो, तो 3 × a क्या है, 2a² और + × b, तो ये हो जाएगा हमारा 12a² b। फिर 3 × a × b² करो, a हो जाएगा हमारा 2a और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6ab²। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, a प्लस b का होल ऑफ क्यूब। तो यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 2a और b था b, तो 2a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब हमारा आंसर होगा। इसको आप इस तरह से लिखेंगे 3 times, तो फाइनली ये फैक्टराइज हो जाएगा, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट है 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab² सेम, ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह है, केवल यहाँ पर चेंज क्या है कि यहाँ पे माइनस का साइन भी यूज़ हुआ है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो 8a³ को हम लिख सकते हैं 2a का होल ऑफ क्यूब, ठीक। देन -b³ था, अब -3 × a² b करेंगे, यहाँ पर a हो जाएगा हमारा 2a, तो ये करने पे हमें मिलेगा 12a² b, ठीक है। प्लस 3a × b² करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 6ab, ठीक। इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब वाली, ठीक। क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ होगी, ठीक। ये जनरली इसका एक्सपेंडेड, इस आइडेंटिटी का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आपको इसमें इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक। तो यहाँ पर a हो जाएगा 2a और b हो जाएगा हमारा b था, तो b ही रहेगा, 2a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक। इसको आप इस तरह से लिख दोगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। थर्ड पार्ट है 27 - 125a³ - 135a + 225a², ठीक। यहाँ पर अगर आप देखो तो आप 27 को लिख सकते हो 3 का क्यूब, ठीक है, और 125a³ को लिख सकते हो 5a का होल ऑफ क्यूब, क्योंकि अगर आप 5 का क्यूब करोगे तो आपको 125 मिलेगा और अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको 27 मिलेगा, ठीक। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हम यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज कर पाए, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे, तो इस केस में आपका a क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है यहाँ पे, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज हुई है, ठीक। तो a यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है। 3 - 5a का होल ऑफ क्यूब हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको इस तरह से हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे। फोर्थ पार्ट है 64a³ - 27b³ - 144a² + 108ab², ठीक है। इसमें देखिए 64a³ को हम क्या लिख सकते हैं, 4a का होल ऑफ क्यूब, ठीक है, क्योंकि अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। अब यहाँ पर 27b³ को आप क्या लिख सकते हो, 3b का होल ऑफ क्यूब, ठीक है, क्योंकि अगर आप 3 का क्यूब करोगे तो आपको 27 मिलेगा, ठीक। और फिर 3 × ab इन ब्रैकेट a+b, a यहाँ पे 4a है, b यहाँ पे 3b है और a माइनस बी, ठीक।
सो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हुई है, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा हमारा 4a और b हो जाएगा 3b। तो a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब मतलब 4a माइनस 3b का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। और इसको इस तरह से हम लिख देंगे 3 टाइम्स ब्रैकेट लगा के, ठीक। नाउ फिफ्थ पार्ट है 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2p² प्लस 1/4p, ठीक। यहाँ पर भी देखिए 27p³ को हम लिख सकते हैं 3p का होल ऑफ क्यूब और 1/216 को हम लिख सकते हैं 1/6 का होल ऑफ क्यूब, मतलब 1/6 का क्यूब, ठीक है। क्योंकि अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 216, ठीक। फिर 3ab 3 इंटू ए इंटू बी 1/6, ठीक। और यहाँ पे पी भी होगा, ठीक है। और a माइनस बी मतलब 3p माइनस 1/6, ठीक। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कौन सी यूज़ हुई, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब। यहाँ पे a हो जाएगा हमारा 3p और b हो जाएगा हमारा 1/6, ठीक है, इसका होल ऑफ क्यूब। सो इसको आप 3 टाइम्स इस तरह से ब्रैकेट से सेपरेट करके लिख दोगे, ठीक है। तो फाइनली ये फैक्टराइज हो गया। सो हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 5 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये पांचों पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर ऐसा सच में है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। Till then, bye-bye.